अस्सलामु अलैकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट आर्टिकल ऑफ चैप्टर नंबर 2 पार्टिकल डायनामिक्स ऑफ बीएससी बुक 1 मैकेनिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स टू स्टडी द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। तमाम ऑब्जेक्ट्स जो इन मोशन होते हैं उनको स्टडी किया जाता है मैकेनिक्स में। इट हैज़ टू टाइप्स। मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स, सेकंड इज कॉल्ड डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन विदाउट कॉज ऑफ मोशन। इसमें ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है इसकी काज को नहीं देखा जाता। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका एक्सेलरेशन, उसका मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड ऑल अदर टर्म्स रिलेटेड विद मोशन आर डिस्कस्ड, बट काज ऑफ मोशन इज नॉट डिस्कस्ड इन काइनेमैटिक्स। ऑन द अदर हैंड, सेकेंड टाइप इज डायनामिक्स। इस ब्रांच में हम मोशन को भी डिस्कस करते हैं और मोशन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है विद कॉज ऑफ मोशन। एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसको इंजन पावर डिलीवर कर रहा है तब मूव कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन से आ रहा है तब मूव कर रहा है, उसको पुश मिल रहा है तब मूव कर रहा है, ये सारी काज देखी जाती हैं डायनामिक्स में। चूँकि डायनामिक्स हमारा चैप्टर नेम है, मोशन डिस्कस करनी है, और ये कैसे हो सकता है कि हमने मोशन डिस्कस करनी है और लॉज ऑफ मोशन डिस्कस में ना आए, तो इस वजह से हम न्यूटन्स लॉज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि वो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एट रेस्ट है वो रेस्ट में रहेगा, और एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन अपनी जारी रखेगा इवन उस पर कोई फोर्स अप्लाई की जाए। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एक बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब आपने, चूँकि केस दो बन रहे हैं, एक एट रेस्ट वाला है दूसरा इन मोशन वाला है, जब आप मोशन की बात करेंगे तो आप कंटिन्यूस मोशन की बात करेंगे, कंटिन्यूस आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे। अगर आपने कह दिया कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो आपका फ्रेम चेंज हो जाना है, आप अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएंगे, इनर्शियल से नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाएंगे, जिसके लिए यह ला वैलिड नहीं होगा। इसलिए आप यूनिफॉर्म मोशन इसमें ज़रूर बताएंगे, यूनिफॉर्म मोशन आप ज़रूर लिखेंगे। अगर इसकी इक्वेशन बनाई जाए, इक्वेशन डेवलप की जाए, तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, Vf माइनस वी आई ओवर टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। दो केसेस हैं, या तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। हम दोनों केस डिस्कस करेंगे। पहला मैं कहूँगा केस वन, कौन सा, जब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, उस सूरत में उसकी इनिशियल वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इस सिचुएशन में जब उसको मैं पुट करूँगा मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो आएगी। सेकंड केस ये है जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, मींस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। उस सूरत में एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनेगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी
एफ को आप वी आई लिख सकते हैं क्योंकि दोनों वेलोसिटीज इक्वल हैं ओवर टी। एक्सेलरेशन तब भी ज़ीरो है, मतलब ये हुआ कि वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे करते हैं। मैंने एक बात आपको पहले बताई कि चलें हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है। इनर्शिया क्या है हम जानते हैं, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट आर इन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। सो फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शियल फ्रेम में ही क्यों वैलिड है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, फिर इनर्शियल और नॉन इनर्शियल पे आएंगे। कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके रिस्पेक्ट से आप मेजरमेंट्स लेते हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं इस रूम को ही ले लूँ तो यहाँ पे मैं एक ओरिजिन लूँगा, मैं एक कॉर्नर को ओरिजिन ले सकता हूँ, वहाँ से फिर एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, तीसरा जी एक्सिस होगा, तो ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये अगर रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा देन दिस इज़ कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और अगर ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, देन इट इज़ कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात ये चल रही है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शियल फ्रेम में ही क्यों वैलिड है। इसके लिए एग्जाम्पलीफाई करूँगा, वहाँ से आपको समझ आएगी। पिछली क्लासेस में नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा है कि एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी है, वहीं वहाँ पे पड़ी रहेगी जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। वो टेबल इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि रेस्ट में है, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि रेस्ट वाला फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होता है, उसके लिए वैलिड है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, आप ये कहें कि ये जो बुक है ये इस टेबल की बजाय किसी कार की सीट पे पड़ी है। कार अगर रेस्ट में होगी तो वो बुक एट रेस्ट है क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है और वैलिड है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बुक पड़ी रहेगी। अगर वही कार आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करवाते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब भी वो कार एट रेस्ट रहेगी। ये आप एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्राइवर ब्रेक सप्लाई करता है मीन्स वेलोसिटी को चेंज करता है, आप वेलोसिटी को वी आई से वी एफ कर देते हैं जो ब्रेक सप्लाई करने की सूरत में कम हो जाती है, मीन्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, फ्रेम इनर्शियल से नॉन इनर्शियल में चला गया, एक्सेलरेटेड से नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला गया, इनर्शियल फ्रेम नहीं रहा नॉन इनर्शियल हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया। ऑल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब वो बुक एट रेस्ट में नहीं रहेगी, मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे, जो ही ब्रेक सप्लाई होंगी तो वो अगर आपकी विनाइल की सीट्स हैं, अगर आपकी सीट्स जो हैं कार की वो प्लेन हैं शफाफ हैं तो बुक आपकी आगे की तरफ स्लाइड करती हो जाएगी। हमने उस पर बज़ाहिर कोई फोर्स नहीं लगाई लेकिन बुक जो है वो चली गई रेस्ट से मोशन में चली गई, मींस फर्स्ट लॉ वहाँ पे वैलिड नहीं रहा। सो वी कॉल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया एंड इज़ वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह
वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.